नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुगलों से लोहा लेने जाओ और मैं यहां बैठकर पीवी के बने पकवान खाऊं। इस सार्जी राव की तलवार का अपमान हुआ पिताजी। निसंदेह हमारे विवाह को कुछ महीना हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम ने हमारे पैरों में आनंद की बेड़ियां डाल दी है। सर्जे राव के लिए उसका गृहस्थ आश्रम उसकी निर्बलता नहीं बल्कि बल है, जो युद्ध के समय दुश्मनों को परास्त करने की शक्ति रखता है। महीना तो बहुत है पिताजी, यदि विवाह के वेदी युद्ध का बिगुल बज जाए तो यह सर्जे राव पहले युद्ध करता, विवाह नहीं। पिताजी, जो पत्नी अपने पति को कर्म भाव से हटाकर स्वार्थ के भाव पर ले जाए, उस पत्नी का होना दुर्भाग्यमय होता है पिताजी। किंतु सौभाग्य से आपकी कावेरी बहू यह जानती हैं कि उनका विवाह सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारी तलवार से भी हुआ। जो छत्रपति शिवाजी राजे की स्वराज के मन को भीतर रखकर बैठी है, उनकी प्रसन्नता उनका मन घर में बैठकर पकवान बनाने में नहीं, उनके पति को युद्ध जाते समय और जीत के वापस आते समय तिलक लगाने में है। पिताजी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए।